NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी. केरल भाजपा राज्य के वित्त मंत्री थॉमस इसाक पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएगी. दरअसल प्रदेश इकाई का कहना है कि थॉमस ने 6 मई को बयान देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पीएस श्रीधरन पिल्लई पर केरल में विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया था. थॉमस के इस बयान के खिलाफ पार्टी में मामला दर्ज कराकर उचित न्यायिक कार्रवाई अमल में लाने का फैसला लिया गया है. बता दें कि अपने ऊपर लगे आरोपों पर सीएम श्रीधरन ने मंगलवार को कहा कि केरल भाजपा ने निर्णय लिया है कि CPM के वित्त मंत्री थॉमस इसाक पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. इसी के साथ उन्होंने कहा कि 6 मई को मानहानिकारक बयान दिया था. उन्होंने कहा कि मैंने इसाक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के अलावा मुआवजे के रूप में 10 करोड़ रुपए का दावा किया है. बता दें कि इसाक ने कथित तौर पर पिल्लई पर राज अध्यक्ष होने के अपने पद का लाभ उठाते हुए केरल के विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया था. इसाक ने कहा था कि श्रीधरन पिल्लई, जिसने केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास को बाधित करने का प्रयास किया है, उसे राज का सार्वजनिक दुश्मन माना जाता है. इसे राजनीतिक विचारधारा के केवल अंतर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि लोगों को सोचना चाहिए कि क्या वह ऐसे लोगों को स्वीकार कर सकते हैं जो उन्हें पीछे से धोखा देते हैं. फिलहाल अब तक के लिए इतना ही. लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट.